सो गाइज, अगर आप भी जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एफएम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या यो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और आपके साथ इशू ये हो रहा है कि आप जब किसी को मैसेज करते हैं तो सामने वाले के पास मैसेज पहुंचता नहीं है, जब आपका फ्रेंड आपको मैसेज करता है तो आपके पास नहीं पहुंचता है, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तब मैसेज पहुंचता है, कई सारे व्यूवर्स ये भी बोलते हैं कि नोटिफिकेशन तो आता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार मेरे से पूछे जा रहे हैं कमेंट में। 3-4 दिनों में मैंने नोटिस किया है ये, और उस पर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस, आप इस वीडियो के जो भी मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। ना ही आपको अपना एप्लीकेशन चेंज करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई उसमें से अपडेट करने पड़ेंगे, बस आप इन चीज़ों को ट्राई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो फिर बात करते हैं कि करना क्या है हमें एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एफएम, यो या जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको प्राइवेसी पे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन से बाहर आना है। एप्लीकेशन से बाहर आने के बाद आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको आई बटन पे हिट करना है, और हिट करने के बाद आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है सेटिंग्स पे, उसकी सेटिंग्स पे आपको जाना है स्टोरेज पे। और जब आप स्टोरेज पे जाएंगे तो एक तरफ आपको क्लियर डेटा दिखता है और एक तरफ आपको क्लियर केस दिखता है। डेटा पे आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लियर केस पे क्लिक करना है और आपको केस क्लियर कर देना है। ये पहला स्टेप था, अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, डोंट वरी। अब आपको बाहर आना है, अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपने जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जीबी, एफएम, यो, आप वहाँ पे चले जाइए। जीबी पे जाइए तो जीबी सेटिंग्स पे चले जाइए, आप यू यूज़ करते हैं तो यू सेटिंग्स पे चले जाइए, अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन जैसे एफएम यूज़ करते हैं तो आप एफएम सेटिंग्स पे चले जाइए। जाने के बाद आप सबसे पहला ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखता है प्राइवेसी का, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। आपको क्या करना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है, और सारे के सारे ऑप्शंस जो आपने इनेबल करके रखे थे पहले, जैसे लास्ट इन फ्रीज करना, हाइड व्यू स्टेटस किसी का, डोंट वरी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उसको ये भी बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। आप पहले क्या करिए, सारे के सारे डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद अपने एप्लीकेशन को, जो भी आपने एडिशनल सेटिंग्स लगाई थी, सारी की सारी आपको एडिशनल सेटिंग्स वहां से रिमूव करके एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना है। सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको अपने एप्लीकेशन की सारी जो आपने एडिशनल सेटिंग्स लगाई है, उन सारी की सारी एडिशनल सेटिंग्स को हटा दीजिए। हटाने के बाद आप अपने फोन को रिस्टार्ट कर लीजिए पूरा। जब आप फोन को रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपका फोन एक नए तरीके से, आपका जो एप्लीकेशन है, चूंकि सारी के सारे रिस्ट्रिक्शंस जो आपने लगाई थी, जो कि मैसेजेस को आने में फिल्ट्रेशन चल रही थी, वो फिल्ट्रेशन आपने हटा दी, तो अभी क्या होगा, मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब चूंकि हमने यूज तो एफएम इस वजह से किया है ना, क्योंकि हमें सारे वो एडिशनल फीचर्स चाहिए, फिर क्या करेंगे आप। अगला स्टेप, जो ऑफिशियल वर्जन है जीबी का 16.30.0, जिसपे मैंने कल वीडियो बना के आपको बताया था कि जीबी का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर अपडेट आया है, और लास्ट अपडेट 16.30.0 है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा मिलता जुलता है। आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आज मैं बाकी के एप्लीकेशंस पे बात कर रहा हूँ, जैसे 8.86 है या 11.30 है, या फिर आप यूज़ करते हैं 12.0 है कई सारे लोगों के पास, तो उन पे क्या करना है आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप इनको हटाइए। हटाने के बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप प्राइवेसी लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 100 लोगों के साथ मैं चैटिंग करता हूँ तो 100 लोगों के साथ मैं प्राइवेसी इनेबल करना चाहता हूँ कि उनका मुझे लास्ट सीन ना दिखे, या वो मेरा लास्ट सीन ना देख पाए, मैं उनका स्टेटस देखूँ वो मेरा ना देख पाए। ऐसा नहीं होता कि हम सब लोगों के लिए ट्राई करते हैं। तो अब आपको वो 3-4 जो भी लोग हैं, आपको सिर्फ उनके लिए वो सेटिंग अप्लाई करनी है, बाकी सबके लिए सब कुछ नॉर्मल रखिए। आपको क्या करना है, जिस भी बंदे के लिए आपको सेटिंग अप्लाई करनी है, आप ओपन करिए अपना व्हाट्सअप, जो भी GBFM यू भी यूज करते हैं। ओपन करने के बाद आप वो चैट पे चले जाइए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके चैट को ओपन करिए। चैट को ओपन करने के बाद ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो सबसे जैसे आप देखेंगे वहां पे आपकी उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन होती है, उसमें क्या होता है, ऊपर कस्टम प्राइवेसी लिख के आता है। आपको क्या करना है, वहां पर कस्टम प्राइवेसी को इनेबल करना है, और वहां पे जो भी प्राइवेसीज दी हुई हैं अपनी इच्छा अनुसार आप अप्लाई करिए। इससे होगा क्या कि वो जो भी प्राइवेसी आप इनेबल कर रहे हैं, वो प्राइवेसी सिर्फ उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अप्लाई होगी, पूरे के पूरे आपके एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होगी। यानी जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो उनका लोड थोड़ा घट जाएगा। अभी क्या होता है, 100 मैसेजेस आते हैं, 100 मैसेजेस आप रीड करते हो, उन पे वो आपने ऑप्शन भी लगा के रखा हुआ है ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई का, तो 100 मैसेजेस को फिल्टर करने में दिक्कत आ रही है व्हाट्सएप को, सर्वर पे लोड पड़ रहा है थोड़ा, जो भी एफएम यूज करते हैं आप। अब वो करने के बजाय बाकी के मैसेजेस को आप नॉर्मली रीड करिए, 2, 4, 5 जो ज्यादा आपके ऐसे हैं जिनके लिए आप एडिशनल सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं। आप कस्टम प्राइवेसी पे जाइए, उसको इनेबल करिए, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको, कस्टम प्राइवेसी दिखेगी, इनेबल करिए। वहां पे सब कुछ आपको दिखता है, हाइड व्यू स्टेटस दिखता है,
टाइपिंग हाइड करना है, लास्ट सीन फ्रीज करना है, वहां पे सब कुछ दिखता है। तो वो जो सारा कुछ आप अप्लाई कर रहे थे जीबी सेटिंग्स में जाके, वो जीबी सेटिंग्स पे मत करिए, वो आपको करना है डायरेक्टली वहीं उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर अप्लाई। इतना आप ट्राई करिए, मैंने ये कई बार व्यूवर्स को बताया, उनको 100% रिजल्ट मिला है, उनका एप्लीकेशन प्रॉपरली काम करना शुरू कर चुका है, उनको अपडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूं 110% आपको भी अपडेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने एप्लीकेशन में सारा कुछ ट्राई करके देख लीजिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, स्टेप बाय स्टेप है सारा कुछ, आप फॉलो कर लीजिए और आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो का जो मेन मोटो था कि आपके जो मैसेज रिलेटेड इश्यूज है, नोटिफिकेशन रिलेटेड इश्यूज है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ये सारा कुछ मैं आपको करके भी, इतना ही, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।